राप्ती नगर से शाहपुर थाना रोड पर सड़क के दोनों तरफ सड़क चौड़ीकरण के नाम पर शुक्रवार को जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के संयुक्त अभियान के तहत सड़क के केंद्र से 15 मीटर दाएं और 15 मीटर बाएं चिन्हित करके एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार की मौजूदगी में सड़क चौड़ीकरण में व्यवधान बन रहे मकानों और प्रतिष्ठानों के हिस्सों को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। इस दौरान स्थानीय लोग और दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके सड़क के किनारे इकट्ठा हुए और जमकर आक्रोश व्यक्त किया। रास्ते से गुजर रहे पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल सिंह को स्थानीय लोगों ने रोककर उनसे अपनी समस्या बताई। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जो भी हो रहा है वो उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नौकरशाही के लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करते हैं लोग, प्रशासन मनमानी कर रहा है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। व्यापारियों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए कानून व्यवस्था को संभालने के लिए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण सिंह मैं फोर्स के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून को हाथ में मत लीजिए, सभी लोग पीछे रहिए, जो भी हो रहा है शासन प्रशासन के निर्देशानुसार हो रहा है, चिन्हीकरण करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है, आप लोग जागरूक नागरिक हैं, कोई भी कदम ऐसा ना उठाए, अनावश्यक का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखिए, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, अन्यथा पुलिस और प्रशासन आप लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाएगी। अभियान में शाहपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह, कौवाबाग चौकी प्रभारी राजाराम द्विवेदी, पादरी बाजार चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह अपने अपने हमराइयों के साथ और गोरखनाथ थाना गुलहरिया थाना की पुलिस भी मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव और पिपराइच के भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा तीन दिन बाद जो है बयान बदल जाएगा, कोई लापरवाही नहीं होगी। यहाँ जबरदस्ती ही हो रही है ना, जबरदस्ती ही हो रही है, जबरदस्ती एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि जब डीएम प्लेटफॉर्म डीएम ट्रैक की अध्यक्षता में व्यापार बंधुओं के मीटिंग में हम लोगों ने यहाँ के प्रतिनिधियों को ले जाकर डीएम ट्रैक से वार्ता कराया। 12.5 मीटर का जब टिकट बुटी ने वो किया था, 12.5 मीटर जो है 12.5 उसको घटा करके 1.5 मीटर जो है 12.5 किया गया, हमें निशान लगवाया है उसको पैसा दे, लेकिन डामर रोड बनैले में कम पैसा मिली, हमने का मतलब नहीं है ऑर्डर किया है, अगर वो अपने ऑर्डर को अगर उन्होंने कैंसिल किया तो हम रिटर्न हमको दिखाई उसके बाद खजांची से लेकर के इधर आगे जो है 23 मीटर, जब आप 23 मीटर
समर्थन दिए, इसके बाद उस पर लोग अपना जो है क्रोध करके अपना एडमिट कर लिए, फिर आप उसको करेंगे? हम तो नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आप कौन कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है? कुछ नहीं अपने खलीफा समझ रहा है। ड्राइवर कौन है? वही भर आइए, सब लोग घर में आइए। ये जेसीबी कौन लेके आया? हम ही तो लोड रहे हैं। जेसीबी लेके कौन आया है? ये पहले सुनिश्चित है, आप एक बार 30 मीटर करेंगे, एक बार 23 मीटर करेंगे, फिर इसके फिर एक बार 30 मीटर करेंगे। हम लोग उस पर भी मारते हैं, हम लोग क्या है यहाँ के पी डब्ल्यू डी के को भी बदल दे रहे हैं, जिसके सामने वार्ता हुई है तो एक्सीएम उनको ही बदल दे रहे हैं। बनने के लिए 21 मीटर का बाद में ये लोग 23 मीटर डिसाइड हो गया है, आदमी भी अपना क्लियर कर लेता। ऐसे ऐसे मकान हम देख रहे हैं कि लोग तोड़ तोड़ करके अपना ठीक कर लिए, ये कैसे कैसे ये होगा कि अब क्या दिक्कत क्या आ रही है? आप अफसोस कर रहे हैं कि एसडीएम साहब ने कहा सर्विस रोड है तो ना तो वही घनी बस्ती में आबादी एरिया में तो हम लोगों ने सीएम साहब को आप बुला लेते हैं एक बार, आप ऐसे नहीं होना चाहिए, एक बार सबको बैठा करके अरे तीन सब बुला लिया
आगे खाली कराइए। एक टीम आगे जाए राजस्व की, एक टीम आगे जाए खाली कराने के लिए, एक टीम राजस्व की आगे चली जाए आगे खाली कराने के लिए। बताते हैं ये अफसरों से मिलने कार्यक्रम के लिए मैं रोड के चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट बनाया था वो प्रोजेक्ट जो है 0 किलोमीटर इनका था वहाँ पे काली मंदिर पे, और उसके बाद से ये अपना बाद भाग भाग कर नीतियों को बदल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। हम लोग के आंदोलन को शांत करने के लिए कुछ कर देते हैं, फिर DM अपने यहाँ बुलाता है, वहाँ बात होती है, विधायक कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद से कुछ नहीं।
कहीं मिनिस्टर भेज रहे हैं, नहीं कुछ भेज रहे हैं, और हम इस बात के विरोधी नहीं है कि सड़क का चौड़ीकरण सड़क सुंदर न हो, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, उसका शासनादेश है, हाई कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बिना आप मुआवजा दिए सहमति आप कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे, और मुआवजे के रेट की सहमति ओनर से होगी। हमारा यही कुछ कहना है कि पहले आप ये चिन्हीकरण करें कि सड़क कितनी है आपकी, सड़क अगर बातचीत में तहसीलदार से बात हुई सब लोग गए थे तो उसने कहा कि एक जेड़ी है छाछठ फिट, और उसके बाद से ये जहां मन कर रहे वहीं तोड़ दे रहे हैं, और प्रोजेक्ट का पता नहीं है, लैंड का कंपनसेशन उन्होंने ड्राफ्ट किया नहीं है उसमें, और ये मनमानी कर रहे हैं। कितने केंद्र लगा रखे सेंटर से, कितने मीटर इधर उधर लगा रहा? हमें कुछ लिख के नहीं दिया, जो भी नोटिस इसने दिया है शासन प्रशासन ने लिखा है कि आपने अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण हटा दीजिए, और नहीं इनको सारे खसरा नंबर देना चाहिए, इनको प्लाट नंबर देना चाहिए कि इस नंबर से आपने इतना तक किया है, कोई भी चीज़ वैधानिक नहीं है, केवल खुल्ला गुंडा ही है ये, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई चीज़, और भी जिलों में हो रहा है। हम लोग तो आसान नहीं थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बातों को सुनेंगे, कुछ करेंगे, बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, डीएम की बात की वजूद नहीं है, कभी जीडी आ जाता है, कभी पीडब्ल्यू आ जाता है, कभी कौन आता है, और जब भी कोई बातचीत होती है उसमें तो वो दूसरे पे टालते हैं। यहाँ पे नगर निगम, जीडीए, पीडब्ल्यूडी और ये पुलिस महकमा डंडा लेकर तैयार है कि कुछ कोई बोले, कुछ कहे तब करें, ऐसे थोड़ी होता है कोई चीज़। आप जेसीबी लगा के यहाँ लेके खड़ा कर दिए, क्या है आपके पास, क्या इनको दिया, क्या हमको दिया, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो पारदर्शिता होनी चाहिए। नहीं, आप लोग जो है विरोध में, हमने क्या किया, हमें इकट्ठे हुए काम को करने नहीं देंगे यहाँ से, दुकानें भी आप दुकानें टोटल बंद है वहाँ से, स्वतः बंद किया, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब एक बार पिछली बार एक आंदोलन खड़ा किया गया था, उसको उन लोगों ने जिलाधिकारी ने अपने कक्ष में बुला के उसको मामले को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने में ये हुआ कि 1175 एक साइड लेंगे, बात शांत हो गई, अखबारों में आ गया, सारे गोरखपुर के प्रमुख अखबार जो यहाँ से छपते हैं उन्होंने उसको छापा। हमारा नगर विधायक कौन सा, ये जो आकर के बयान जारी किया कि नहीं ये पूरा मेडिकल तक 1175 रहेगा, अखबार में निकल गया, सब कुछ हो गया, लोगों को निशान लगा दिया इस पर, लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, तोड़वा के बनवा के लाखों रुपया लगा के फिर उस जगह को कायम किया, और उसके बाद तो फिर ये शुरू हो गया। अभी कितना दे रहे हैं? अभी जो है पता नहीं, हमारे पास कोई लिखित नहीं है, अभी हम देख के आ रहे हैं कि ज्यादा तोड़ दिया, जहाँ तक पहुँच रही है उनकी तोड़ दे रहे हैं, क्या इनका मनमानी है, और हमें RTI से इसका क्रॉस सेक्शन मिला है, 21 मीटर का क्रॉस सेक्शन मिला है, हमें RTI से PWD ने कहा कि हम कोई जमीन रिक्वायर नहीं कर रहे हैं, जबकि PWD की जमीन केवल 66 फुट है, और एक जरीब तहसीलदार रेवेन्यू उसने कहा कि हम एक जरीब है 66 फुट। अब ऐसे माहौल में इसकी विवेचना आप लोग भी अपने स्तर से करें, न कि केवल बाइट लेकर के जाके, और उसको करें कि आखिर क्या है ये। जिलाधिकारी, हम लोगों ने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनको वचन दिया कि हम सहयोग करेंगे, उन्होंने कहा कि DM इसको सॉल्व करेगा, DM रिजॉल्व कर रहा है, और उसके बाद मौके पे आए हैं, मौके पे DM आता है कहीं है? देखिए, जब एक बार जब पहले जो 30 मीटर था, जब उसको 23.5 मीटर कर दिया गया सेंटर से सेंटर 23.5 मीटर, तो फिर इसमें अब लोग उस पर अपने जो उनकी भावना है उस पर वो अपना एक सेट करके वो अपने हिसाब से अपना तोड़ करके सही कर लिए हैं मकान, फिर इसके बाद 23.5 से फिर 30 मीटर करना ये न्यायोचित है, ये नहीं होना चाहिए। और जैसा कहा गया कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, ये गलत बात है, ये जो नौकरशाही लोग हैं ये गलत बयानबाजी करते हैं, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करते हैं लोग, ये मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कहीं कोई बात है।
जब एक बार डीएम स्तर से बैठ करके वार्ता हो गई है, 23.5 मीटर पर फाइनल हो गया है, फिर इसको 30 मीटर करने का क्या औचित्य है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए, मनमानी कर रही है। बिल्कुल मनमानी कर रही है। जब एक बार डिसाइड हो गया, पहले ही इसको देख लेना चाहिए कि 30 मीटर जब सरैया से खजांची तक 30 मीटर आ रहा है, तो नहीं अगर था तो इसको भी 30 मीटर कर लिए होते, उसी समय कर लिए होते। जब एक बार बैठ करके जब इसको 23.5 मीटर पर कमिटमेंट हो गया, डीएम साहब से बैठ करके वार्ता हो गई, फाइनल हो गया, फिर अब इसको 30 मीटर करने का क्या मतलब है? कहीं न कहीं लोगों के साथ जो है जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुआवजा भी देने की बात हो रही है, क्या उस पर कुछ हो पाया? नहीं, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी ली जा रही है तो मुआवजा मिलना चाहिए।